फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी शेयर लोकेशन पे शेयर फोल्डर या शेयर प्रिंटर एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बट फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे शेयर लोकेशन को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक एरर यहाँ पे शो हो जाती है, जबकि फ्रेंड्स नेटवर्क भी हमारा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एरर हमारे पास एक शो हो जाती है जो कि फ्रेंड्स है इस टाइप से, यू कॉन्ट एक्सेस दिस शेयर फोल्डर बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज ब्लॉक्स अनऑथेंटिकेशन गेस्ट एक्सेस। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये जो प्रॉब्लम फ्रेंड्स हमारे इसी क्लाइंट वाले सिस्टम पे, इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें छोटा सा टास्क जो परफॉर्म करना है, तो विंडोज प्लस आर की प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे रन कमांड में टाइप कर देते हैं REG एडिट और ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूंगी आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही लॉगिन करके रखना है, अदरवाइज आपके वो एडिट वहाँ पे परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं रजिस्ट्री एडिटर मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है और फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एच की लोकल मशीन के अंदर, सिस्टम के अंदर, करंट कंट्रोल सेट के अंदर, उसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर फ्रेंड्स एक मैं सर्च करना है, मेरे को लैंडमैन करके सर्च करना है, तो एल की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लैंडमैन वन स्टेशन करके एक यहाँ पर फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स, तो इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं चलता हूँ यहाँ पे पैरामीटर के अंदर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करनी है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और D32 वैल्यू क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेरे को टाइप करना है आप यहाँ पे देख रहे हैं अलाउ इन सिक्योर गेस्ट AUTH, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और वैल्यू इसकी 1 कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स रजिस्ट्री एडिटर क्लोज करता हूँ और सिस्टम को यहाँ पर जा करके मैं इसको रीस्टार्ट यहाँ पे कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है और अभी देखिए यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस भी मेरे को मिल गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं दोबारा यहाँ पे उस नेटवर्क लोकेशन को एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लैटर लोकेशन डाल देता हूँ और ओके यहाँ पे कर देता हूँ और फ्रेंड्स अभी मैं देखता हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए मेरी जो नेटवर्क लोकेशन है वो बाकायदा ओपन हो चुकी है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंटर को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल इंस्टॉलेशन यहाँ पे करने लगा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि मैं आप शेयर फोल्डर यहाँ पे ओपन करता हूँ तो वो भी यहाँ पे बाकायदा ओपन हो जा रहा है, तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है 100% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।